बहुत सारे बच्चों का डिमांड है आज कि सर लेट का प्रयोग पढ़ा दें, लेट का जैसे आप सर एक डिटेल प्रयोग पढ़ा दीजिए, तो मैंने सोचा कि लेट का यूज आपको डिटेल दे दूं। मैं आपका धर्मेंद्र सर स्वागत करता हूं डीएसएल कोचिंग में, आप यहां पे आइए आराम से पढ़िए, देखते हैं गौर से। एक यूज है बेटा लेट, अगर देखना है लेट। अब लेट का यूज कहां करते हैं, लेट और गिव, ये दो सेंस देखना आप। एक एक वर्ड का यूज देखना है, करना कैसे वो आगे देखते हैं। दोनों का सेंस आप हिंदी में दो, दो लेट का मतलब भी दो और गिव का मतलब भी दो। दो मतलब कौन सा, पेन दो कलम दो, नहीं, ये दो का सेंस क्या है। तो लेट जब भी प्रयोग करना, लेट के बाद दो बात ध्यान रखना फैक्ट पे। पहला चीज कि लेट हो या गिव हो, इन दोनों के बाद हमेशा क्या है बोलो ना, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाएगा ऑलवेज। यानी लेट और गिव के बाद कभी भी नेवर सब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेट और गिव का कभी भी सब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दूसरा ध्यान देना है, यानी लेट और गिव इन दोनों के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस, कभी भी सब्जेक्ट नहीं आएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, अब इसमें हमको यू सीखना है, तो पहले इसके हम लोग स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे। तो लेट जब भी आएगा, बच्चे ध्यान दो मेरी बातों, कहां खोए हो, ध्यान दो यहां, लेट जब भी आएगा तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, भी कहा था ना, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड, यानी लेट के बाद हमेशा वर्ब आएगा और गिव के बाद हमेशा नाउन आएगा, और हिंदी में क्या आएगा, दो, अभी बोल के दिखाता हूं। और गिव जब आएगा इसके बाद ही ऑब्जेक्ट, लेकिन यहां पे क्या आ जाएगा, नाउन, कैसे, जैसे हमने कहा उसे जाने दो, उसे जाने दो, तो जाना क्या है वर्ब, उसे जाने दो उसे आने दो, लता को खाने दो उसे पढ़ने दो, मुझे खाने दो मुझे पढ़ने दो। आप जितना मर्जी करे बोलो, हमने कहा लेट, अब जितना बोलना हो लेट मी गो, लेट हिम कम, अगर किसी ने बोल दिया लेट ही कम तो गलत हो जाएगा, तो लेट मी गो लेट हिम कम, ठीक बच्चे, तो लेट हिम लेट मी गो उसे, लेट मी गो मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, लेट हिम कम उसे आने दो, लेट ही कम ये गलत हो गया, क्योंकि लेट के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आएगा, इसको खास कर ध्यान रखिएगा। अब और एग्जाम्पल हजार ले लो, जितना मन करे, हमने यहां पर एग्जाम्पल ले पाया लेट का, अब लेट के बाद तुम्हें जो मन करता हो बोलो, लेट हिम लेट यू लेट मी लेट हर लेट देम, ठीक है। अब लेट हिम गो लेट यू कम लेट मी डांस, है ना, लेट हर डांस लेट देम कम, तो जितना मन करता हो आप सेंटेंस आराम से बोल सकते हैं, लेट मी गो लेट यू गो लेट हिम डांस लेट हिम डांस, तो जितना मन करता हो आप इसे सेंटेंस आराम से फ्रेम कर सकते हो, लेट से बोल सकते हो। तो लेट का मतलब दो का सेंस देता है, एक कॉन्सेप्ट हमने यहां पे देखा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, गिव, तो गिव क्या करता है भाई, तो गिव का मतलब दो, लेकिन कोई नाउन दो, कोई वस्तु दो, जैसे मुझे कलम दे दो, मुझे एक किताब दे दो, है ना, तो यहां भी आएगा गिव। अब गिव मी अ बुक, गिव हिम अ पेन, गिव देम अ ग्लास ऑफ वाटर, बस मेरे हो, तो गिव ही मी, अब यहां बुक क्या है नाउन है, पेन क्या है नाउन है, ग्लास ऑफ वाटर क्या है नाउन है, तो जब भी आपको बोलना हो तो आप यहां पे गिव का प्रयोग कर सकते हो, गिव मी अ पेन, गिव मी अ टेबल, गिव मी अ बिल्डिंग, गिव मी अ गॉगल्स, गिव मी अ स्पेक्टेकल्स, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, वॉट एवर कम्स योर माइंड, गिव का मतलब देना, वहां पे नाउन की आवश्यकता होती है। आगे देखिए, अब यहां हम लेट और गिव से अगर नेगेटिव बनाए तो कैसे हो सकता है, उस पर ध्यान दे। हमने यहां पर कहा बच्चे कि लेट के बाद हमेशा नाउन और गिव के बाद, सॉरी, लेट के बाद हमेशा वर्ब और गिव के बाद हमेशा नाउन। अब हम नेगेटिव बनाते हैं, जैसे हमने कहा मुझे जाने दो मुझे मत जाने दो, उसे आने दो उसे मत आने दो, उसे खेलने मत देना, उसे पढ़ने दो उसे पढ़ने मत देना, तो उसे पढ़ने मत देना, तो हमेशा ध्यान देना हम लोग डोंट का प्रयोग करते हैं, डोंट प्लस लेट प्लस वी वन ऑब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड। हमने कहा उसे जाने दो तो उसे जाने दो लेट हिम गो, उसे मत जाने दो डोंट लेट हिम गो, उसे आने दो लेट हिम कम, उसे मत आने देना डोंट लेट हिम कम, डोंट लेट हिम कम,
मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड, मुझे पढ़ने मत दो, डोंट लेट मी रीड, उन्हें जाने दो, वे लोग को जाने दो, लेट देम गो, उन्हें जाने मत देना, डोंट लेट देम गो। क्लियर हो रहा है? क्लियर? ऐसे ही सेम बनाएंगे हम लोग गिव से। किसे बनाएंगे बेटा? गिव से। जैसे डोंट लिखा, डोंट प्लस गिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नाउन। जैसे मुझे एक ग्लास पानी दो, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे पानी मत देना, डोंट गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। उसे कलम दे दो, गिव हिम अ पेन, उसे कलम मत देना, डोंट गिव हिम अ पेन। क्लियर? उसे उसे एक आलमीरा दे दो, गिव हिम आलमीरा, डोंट गिव हिम आलमीरा। उसे किताब दे दो, गिव हिम अ बुक, उसे किताब मत दे देना, डोंट गिव हिम अ बुक। क्लियर? इस तरह से आप फ्रेम कर सकते हो। आगे बात करें हम लोग लेट और गिव का। यहां हम बात करें बच्चे, हम लोग पढ़ रहे हैं लेट। अब लेट की बात करें तो लेट का जो प्रयोग करते हैं और नेक्स्ट प्रयोग, वो लेट का प्रयोग करते हैं प्रपोजल के लिए। यानी लेट इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ प्रपोजल। प्रपोजल क्या है भाई? प्रस्ताव। जब आप किसी से प्रस्ताव पेश करते हो तो लेट का प्रयोग करते हो। उस केस में आप लेट के साथ अस लगा सकते हो, प्लस भी वन प्लस अदर वर्ड। अब जरा कल्पना करो कि जो अस है, ए अस, यह सोचो प्रपोजल है कि नहीं है। इसको शॉर्ट में आप लेट्स कह सकते हो। जैसे प्रपोजल प्रस्ताव, हमने तुम्हें प्रस्ताव दिया कि चलो अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो लेट्स लेटेस्ट रीड इंग्लिश। चलो आज मूवी देखा जाए, लेट्स वॉच मूवी टुडे। चलो आज दौड़ा जाए, लेटेस्ट रन टुडे। चलो उसे पीटा जाए, लेटेस्ट बीट हिम। चलो खेला जाए, लेटेस्ट प्ले। तो लेटेस्ट को क्या कहते हैं? लेट्स। क्लियर? लेट्स डांस, लेट्स ईट, लेट्स फीड, लेट्स मूव, कुछ भी, लेट्स वॉच मूवी। तो लेटेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? लेट्स, लेट अस वॉच मूवी। लिख लोगे ना आप? हमने क्या कहा? लेटेस्ट या लेट्स वॉच मूवीज, लेटेस्ट वॉच मूवी, कुछ भी बोल सकते हो आप। लेट्स डांस, चलो नाचते हैं, चलो खेला जाए, चलो आओ एक साथ मिल बैठ के खाते हैं। लेटेस्ट ईट टुगेदर, आओ एक साथ मिल बैठ के खाते हैं। लेट अस लेट्स ईट, खाते हैं टुगेदर, एक साथ खाते हैं। लेटेस्ट ईट टुगेदर, है ना बाबू? देखो आप प्रयोग करते हैं लेटेस्ट या लेट्स, लेट्स बोल दो, ईट टुगेदर, आओ एक साथ मिल बैठकर खाते हैं। अब ये नहीं कि हमने बोला आओ तो कम का प्रयोग करना, ना ना ऐसा नहीं करना। आओ लेटेस्ट हो गया प्रपोजल। प्रपोजल कहीं भी बोलना हो आप लेटेस्ट का प्रयोग करो। ऐसा मत करना कभी कि आओ कम एंड ईट टुगेदर, ना ना, लेटेस्ट से काम चल जाएगा, लेटेस्ट ईट टुगेदर, आओ एक साथ मिल बैठ के खाते हैं। चलो आज मूवी चलते हैं, तो चलो का नहीं कि गो लगा देंगे, सिंपल बोलेंगे लेट्स वॉच मूवी टुडे। तो लेटेस्ट का मतलब हो गया चलो साथ चलते हैं। तो लेटेस्ट का मतलब होता है प्रपोजल। क्लियर? लेट का ही गुजार कर लो। लेट का प्रयोग हम लोग करते हैं बेटा, और वो कहां करते हैं वो ध्यान दो। लेटेस्ट का मतलब होता है सपोजिशन, जब आप किसी को मान लेते हो। यानी लेट का प्रयोग करो सपोज के लिए। कहां प्रयोग करो बच्चे? सपोज के लिए। जब हम सपोज करते हैं, मान लेते हैं कोई चीज, तो वहां पर हम लोग लेट का प्रयोग करते हैं। कैसे भाई? तो वहां प्रयोग कर रहे हैं लेट के साथ या तो ईट लगाइए या फिर कोई ऑब्जेक्ट वो लगाइए, उसके साथ बी लगाइए, उसके बाद नाउन का प्रयोग करिए। ठीक है? जैसे मैं कहूँ कहा, मान लो यह एक त्रिभुज है, मान लो तुम एक डॉक्टर हो, मान लो तुम एक विद्यार्थी हो। तो मान लो, सपोज का मतलब क्या होता है? मान लेना। मान लो तुम एक डॉक्टर हो, हमने क्या कहा? लेट यू बी अ डॉक्टर। तो लेट इट करो या फिर ऑब्जेक्ट कर दो, तो मानते हैं तुम, मानो तुम डॉक्टर हो, तो लेट यू बी अ डॉक्टर, डॉक्टर हो गया नाउन, तो लेट यू बी अ डॉक्टर। लेट इट बी अ ट्रायंगल, लेट यू बी अ नर्स, लेट यू बी अ इंजीनियर, तो लेट यू बी एन इंजीनियर, तो लेट यू बी एन इंजीनियर, लेट यू बी अ डॉक्टर, लेट यू बी अ स्टूडेंट। तो कहीं भी इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। इस तरह से जितने सेंटेंस चाहो ना तो लेट से बोलो। आप बस डिमांड करो कि सर ये चाहिए। धर्मेंद्र सर हमेशा आपके लिए काम करते हैं। इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेटा ध्यान दो, उन बच्चों की मदद करिए जो जिनको जरूरत है। और हाँ, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ शुरू से लास्ट देखने के लिए, और आपको धन्यवाद देता हूँ इस वीडियो को पूरे भारत में फैलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।